विषय हिंदी कक्षा 7। आज हम देखेंगे देश के नाम संदेश। यह संदेश हमें किसने दिया है? तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम जी ने हमें ईमेल द्वारा यह संदेश दिया है। और उन्होंने जो संदेश हमें दिया है वह संदेश भेजने के लिए ईमेल यानी के पत्र का इस्तेमाल किया है। पत्र के माध्यम से हम दूर बसे हमारे मित्र, हमारे परिवारजनों तथा हमारे संबंधियों को हमारी बात आसानी से बता सकते हैं। पत्र एक ऐसी चीज है कि जिसके माध्यम से हम किसी भी संदेश को कहीं भी सरलता से पहुंचा सकते हैं। एक सरकारी दफ्तर में हमारी शिकायतें या आवेदन हम पत्र के माध्यम से ही पहुंचा सकते हैं। हमें जो सरकारी दफ्तर है, सरकारी ऑफिस है, उसमें हमें किसी भी तरह का आवेदन पहुंचाना है या हमें किसी भी तरह की शिकायत करनी है तो हम पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और शिकायत भी पहुंचा सकते हैं। आजकल दूरभाष, मोबाइल, तार, ईमेल आदि से भी यह कार्य किया जाता है, फिर भी पत्र का एक अपना अनूठा, अलग, विशिष्ट महत्व है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन श्री एपीजे अब्दुल कलाम जी ने नई दिल्ली से 19 मई 2005 के दिन क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट है नाम से देश के नागरिक को एक ईमेल किया था। इसमें देशवासी के मन में देशाभिमान की भावना उत्पन्न हो ऐसी भी सीख दी गई है। तो चलो हम देखते हैं क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट है। तो सबसे पहले हम पता देखेंगे मातृछाया, ऊंची सेरी, गांव मेसपुरा, तहसील भाभर, जिला बनासकांठा, दिनांक 24/12/2011। हर्ष अपने मित्र हर्ष को पत्र लिखता है। किरण हर्ष को पत्र लिखता है। किरण जो हर्ष का मित्र है वो किरण हर्ष को पत्र लिखता है और सबसे पहले संबोधन करता है। प्रिय मित्र हर्ष, नमस्ते। मैं यहाँ सकुशल हूँ, मैं यहाँ ठीक हूँ, मैं यहाँ अच्छा हूँ। आशा है कि वहां भी सभी सकुशल होंगे। मैं यहाँ ठीक ठाक हूँ, आप भी ठीक ठाक होंगे। तुम्हारा खत मिला पढ़कर बहुत ही खुशी हुई। किरण हर्ष को बताता है कि तुम्हारा खत मिला था, खत पढ़कर बहुत खुशी हुई। मैंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यानी के अब्दुल कलाम जी का देशवासियों के नाम भेजा गया एक ईमेल पढ़ा, वह तुम्हारे लिए प्रेषित कर रहा हूं। प्रेषित करने यानी के तुम्हारे लिए भेज रहा हूं। डॉक्टर कलाम अपने संदेश की शुरुआत में ही पूछते हैं क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट का समय है? प्रश्नार्थ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यानी कि मिसाइल मैन जो संदेश है उसकी शुरुआत में ही देश के लोगों से पूछते हैं क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट का समय है। यदि हां तो इसे पढ़ना, वरना मर्जी आपकी। अगर आपके पास समय है देश के लिए 10 मिनट का तो इसे पढ़ो, वरना मत पढ़ो, आपकी मर्जी। इसके बाद वह देश के लोगों की सोच बताते हुए कहते हैं कि आप कहते हैं कि हमारी सरकार निकम्मी है, निकम्मी यानी कि कोई काम नहीं करती, उसे निकम्मी कहते हैं। आप कहते हैं हमारी सरकार निकम्मी है, हमारी सरकार कोई काम नहीं करती। आप कहते हैं हमारे कानून पुराने पड़ गए हैं,
हमारे जो कायदे हैं, हमारे जो कानून हैं, वो एकदम घिसे पिटे हैं, यानी के पुराने हो गए हैं। आप कहते हैं नगर पालिका कचरा नहीं उठाती। भारत के हर एक नागरिक अपने अपने समस्या बताते हैं कि कोई कहता है कि हमारी सरकार कोई काम नहीं करती, हमारी सरकार निकम्मी है। कोई कहता है कि हमारे जो कायदे कानून है वो एकदम पुराने पड़ गए हैं, घिसे पिटे हैं। कोई कहता है नगर पालिका वाले कचरा उठा के नहीं ले जाते। आप कहते हैं फोन काम नहीं करता। आप शिकायत करते हैं कि फोन काम नहीं करता। रेलवे मजाक बन चुकी है। जो ट्रेन के आने और जाने का समय है वो कभी उसमें कभी का तालमेल नहीं देखने मिलता, इसलिए लोग कहते कि रेलवे मजाक बन चुकी है। एयरलाइंस दुनिया में हमारी ही सबसे खराब है। एयरलाइंस जो विमानी यात्रा है यानी कि एयरलाइंस है, वो हमारी ही दुनिया में सबसे खराब है। चिट्ठी अपनी मंजिल तक कभी पहुंचती ही नहीं। तो हम कई सारे शिकायतें करते हैं, जैसे कि हमने देखा कि हम शिकायत करते हैं कि हमारी सरकार निकम्मी है, कोई काम नहीं करती है, नगर पालिका वाले जो है वो कचरा उठा के नहीं लेके जाते, हमारे कायदे कानून पुराने हो चुके हैं, हमारा फोन काम नहीं करता, जो रेलवे है उसमें ट्रेन आती है जाती है उसका कोई समय निश्चित नहीं होता, हमारी एयरलाइंस यानी कि विमान यात्रा है वो सुखद नहीं होती, हमारी विमान यात्रा है विमान यानी कि हमारी जो एयरलाइंस है दुनिया में हमारी एयरलाइंस सबसे खराब है, और चिट्ठी कभी समय सर मिलती ही नहीं या समय सर कहीं भी मंजिल पर पहुंचती ही नहीं है। आगे बहुत सारे समस्या के बारे में मिसाइल मैन यानी कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बताते हैं कि आप कहते हैं कि आप कहते हैं, कहते ही रहते हैं और कहते ही रहेंगे, आपने इस बारे में क्या किया? फिर राष्ट्रपति ने कहा मान लीजिए, आप सिर्फ मान सोच लीजिए कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, उसे अपना नाम दीजिए और उसे अपनी शक्ल भी दे दीजिए। जैसे कि मैं हूं या आप हो, आप सिंगापुर जा रहे हो तो सिंगापुर में जाकर आप सभी कायदे का पालन करते हो, जैसे कि कचरा इधर उधर नहीं फेंकते हो, सिंगापुर में आप कचरा इधर उधर नहीं फेंकते हो, इधर उधर थूकते नहीं हो, या फिर ट्रैफिक जो ट्रैफिक के रूल्स है उसे कभी तोड़ते नहीं हो। तो हम अन्य देश में जब जाते हैं तो हम सभी नियमों का पालन करते हैं, लेकिन जब हम हमारी जो मातृभूमि है, हमारा जो भारत देश है, उस भारत देश में सभी कायदे कानून को भूल जाते हैं, सभी कायदे कानून को तोड़ देते हैं। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी बताते हैं कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, वो व्यक्ति आप हो और उसे अपनी शक्ल और अपना नाम दे दीजिए। आप दुनिया के सबसे श्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं, सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ यानी कि सबसे अच्छे हवाई अड्डे पे उतरते हो, सिंगापुर का हवाई अड्डा यानी कि आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पे उतरते हो। सिंगापुर में आप अपनी सिगरेट का टुकड़ा सड़क पर नहीं फेंकते और स्टोर में खाते भी नहीं हो। हमारे भारत देश में देखते हैं तो लोग रास्ते पे ही कचरा फेंक देते हैं, कचरा पेटी जो कूड़ादान है वो कूड़ेदान में कचरा नहीं फेंकते हैं, तो सिंगापुर में हमेशा क्यों नहीं करते? सिंगापुर में अगर सिगरेट खत्म हो गई तो उसका टुकड़ा हम रास्ते में नहीं फेंक देंगे, लेकिन भारत देश है तो हम सिगरेट का टुकड़ा रास्ते में फेंक देंगे। सिंगापुर में आप अपने सिगरेट का टुकड़ा सड़क पर नहीं फेंकते और स्टोर में खाते भी नहीं है। उनको अपने भूमिगत जो संपर्कों पर रश्क महसूस होता है, रश्क यानी कि ईर्ष्या, आपको वहां जो भूमिगत संपर्क है वो भूमिगत संपर्क को देखकर आपको रश्क यानी कि ईर्ष्या होती है कि हमारे देश में से भूमिगत संपर्क क्यों नहीं है। आप शाम 5 से 8 बजे के बीच में आर्चर्ड रोड पर कार चलाने का टोल टैक्स तकरीबन 60 रुपए भुगतान करते हैं। टोल टैक्स जो सरकार का हक है टोल टैक्स, तो आप शाम 5 से 8 बजे तक अगर
आर्चर रोड पर कार चलाने चाहे तो टोल टैक्स तकरीबन 60 रुपए आपको भुगतान करना है। अगर पार्किंग में आप निर्धारित समय से ज्यादा गाड़ी खड़ी की तो टिकट पंच कराते हैं, लेकिन आप सिंगापुर में कहते नहीं, कुछ नहीं कहते। आप अगर सिंगापुर में हो तो कुछ नहीं कहते, लेकिन अगर इंडिया में हो, हिंदुस्तान में हो, हमारे भारत देश में हो, तो अगर हमारी गाड़ी निर्धारित समय से थोड़ी देर ज्यादा रुक गई और अगर हमें अधिक भुगतान करना है तो या हम भुगतान नहीं करेंगे या उनके साथ झगड़ा करेंगे। तो हमेशा सिंगापुर में क्यों नहीं करते, हमारे देश में ही ऐसा हम क्यों करते हैं। दुबई में आप रमजान के दिनों में सार्वजनिक रूप से कुछ भी खाने का साहस नहीं करते। जिहाद में बिना सिर ढके आप बाहर भी नहीं निकलते। हम अन्य देश में जाते हैं, जैसे कि विश्व के अन्य देश में जाते हैं, तो हम सभी कायदे कानून का पालन करते हैं, लेकिन जैसे ही हम हमारी मातृभूमि भारत में आते हैं तो हम सभी जो कायदे और कानून है उसे भूल जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वॉशिंगटन डीसी में आप 55 मील प्रति घंटा से ऊपर गाड़ी चलाने की हिमायत नहीं करते और पलटकर सिपाही से यह भी नहीं कहते कि जानते हो मैं कौन हूं, मैं फला हूं और मैं फलाना मेरा बाप है, ऐसा हम कभी नहीं कहते। अगर इंडिया में हमने कोई भी कायदा या कोई भी कानून तोड़ा और हमें पुलिस अधिकारी है वो अगर दंड करती है या हमें पकड़ती है तो हम तुरंत बताते हैं कि आप जानते हो मैं कौन हूं, मेरा बाप कौन है। हम अन्य देश में ऐसा क्यों नहीं करते, हम अपने भारत देश में ऐसा करते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तट पर आप खाली नारियल हवा में नहीं उछाल सकते, जबकि इंडिया में यह सब चलता है। हमारे देश में ऐसा क्यों चलता है, हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि इंडिया में ऐसा चलता है। हम अगर समुद्र तट पर जाते हैं तो पानी की खाली बोतलें या फिर खाली पिया हुआ नारियल हो अथवा तो खाद्य चीजें है वो वहीं के वहीं फेंक देते हैं, लेकिन हम अन्य देश में जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में जाते हो तो हम ऐसा नहीं करते। जैसे कि समुद्र किनारे पे जो किनारा है वहां कचरा नहीं फेंकते, तो हमें हमारे देश में भी ऐसा नहीं करना चाहिए। टोक्यो में आप सड़कों पर पान की पिक क्यों नहीं थूकते। आप टोक्यो जाते हो तो हम हमारे भारत देश में क्या करते हैं कि थूकते हैं, रास्ते पे थूकते हैं, गुटखा खाते हैं या किसी भी चीज खाकर हम रास्ते में थूक देते हैं, लेकिन हम टोक्यो शहर में ऐसा क्यों नहीं करते, हम रास्ते पे क्यों नहीं थूकते। बोस्टन में आप जाली योग्यता प्रमाण पत्र क्यों नहीं खरीदते, जाके हमारे भारत देश में जाली योग्यता प्रमाण पत्र हम खरीदते हैं और कई लोग तो बेचते हैं और सरलता से मिल भी जाते हैं, लेकिन जैसे कि बोस्टन में जाली योग्यता प्रमाण पत्र हम नहीं खरीदते लेकिन हमारे देश में हम खरीद लेते हैं। तो डॉक्टर कलाम बीच में ही याद दिलाते हैं कि मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूं, हाँ सिर्फ आप ही के बारे में। तो हम यह बताना अब एपीजे अब्दुल कलाम हम यह बताना चाहते हैं कि हम विश्व के अन्य देश में जाते हैं तो हम सभी रूल्स एंड रेगुलेशन यानी कि कायदा कानून का पालन करते हैं, लेकिन हम जैसे ही अपनी भारत भूमि पे आते हैं तो हम सभी कायदे और कानून भूल जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। और कायदे और कानून को हम तोड़ते हैं, हम खुद तोड़ते हैं और फिर हम सामने सरकार को निकम्मी बताते थे कि सरकार कुछ नहीं करती, सरकार कचरा नहीं उठाती, सरकार गंदगी साफ नहीं करती है, जो पॉल्यूशन है नदी में पॉल्यूशन है, जो दरिया है समुद्र में पॉल्यूशन है, वहां पॉल्यूशन बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन ट्रैफिक बढ़ रहा है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, उसके लिए जिम्मेदार हम खुद है, क्योंकि हम रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करते हैं। तो हमें रूल्स एंड रेगुलेशन यानी कि कायदे कानून का हमेशा पालन करना चाहिए, हमें कायदे कानून तोड़ना नहीं चाहिए। तो विश्व के अन्य देश में जो व्यवस्था है वही देश वही व्यवस्था आगे चलकर हमारे देश में भी देखने को मिल सकती है। विश्व के अन्य देश है उसकी प्रशंसा करते हैं कि विश्व के अन्य देशों में ऐसा नहीं होता, हम रास्ते पे थूक नहीं सकते, हम ज्यादा गति से गाड़ी नहीं चला सकते, हम कचरा इधर उधर कूड़ा इधर उधर फेंक नहीं सकते। तो हमारे देश में भी हमें कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, हमें गंदगी नहीं करनी चाहिए,
हम जो रेलवे है या जो एसटी बस है या जो यातायात के वाहनों है उसमें साधनों है उनमें भी स्वच्छता रखनी चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है। तो आगे चलकर हमारा देश भी विश्व के अन्य देशों के लिए मिसाल बन सकता है। तो आगे